गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज एक हम आपको गुड न्यूज़ दिखाने वाले हैं। अगर आप लोगों का सहयोग इसी तरह से रहा तो इंडिया एक दिन विश्व गुरु अवश्य बन जाएगा, जैसा कि आप लोग कमेंट में कमेंट करते हैं, है ना। ये आप देख रहे होंगे, आज एक सुबह सुबह मैसेज आया हुआ था 10 बजे के लगभग में, जो कि नेपाल से था। प्राइवेसी के लिए हमने इनका नंबर तो छिपा दिया है, लेकिन हम आपको जानकारी दिखा रहे हैं। इन्होंने सुबह सुबह मैसेज किया, उसके बाद क्या हुआ देखिए। इनसे हमने नाम पूछा इनका, और इनकी कुछ जानकारी आपके सामने है। सुबह इन्होंने 10:12 पर लगभग हेलो भेजा, जो कि आपको नहीं दिख रहा है। उसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन किया सिंपल सा बोर्ड मास रूल का, और दो क्वेश्चन प्लीज आंसर मी। उसके बाद हमने इनसे पूछा योर नेम, मुझे तो पहले ही लग गया कि ये नंबर जो है कहीं दूसरे जगह का है, इंडिया का नहीं है, और इनकी कंट्री। तो इन्होंने बताया अपना नाम, आप देख रहे होंगे, अंजलि सरदार फ्रॉम नेपाल, और इनके डिस्ट्रिक्ट का नेम है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, सुनसरी और विराटनगर। ये इनकी एड्रेस डिटेल, और इनका एग्जाम नेम हमने पूछा, तब इन्होंने बताया मास्टर्स इन फाइनेंस, ये फाइनेंस कर रहे हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि ये इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, हमने सोचा हो सकता है इंडियन होते हुए नेपाल में रहते हों। उसके बाद हमने इनकी सिटीजनशिप जानने की कोशिश किया, तब इन्होंने बताया नेपाल। उसके बाद हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से वेलकम का मैसेज इनको मिला, वेलकम टू इंडियाज एजुकेशनल बोर्ड, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अस। उसके बाद चलिए इनका देखते हैं क्या है आंसर। आप इनका क्वेश्चन का सलूशन देख लीजिए, बोर्ड मास रूल पर डिपेंड। चलिए देख लेते हैं इनका सलूशन। देखिए, पहले हम आपको क्वेश्चन का सलूशन बताएंगे, फिर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो ये बोर्ड मास रूल पे लगेगा, आप जानते हैं बोर्ड मास रूल, इसमें दो बार भाग का चिन्ह है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, पहले ये भाग करेंगे फिर इसको भाग करेंगे। जब आप भाग देंगे 3 से 7 में, तो देखिए क्या आता है ये, ऐसी स्थिति में आपका जब 3 से भाग देंगे 7 में, तो 2.3 आ जाएगा आपका क्वेश्चेंट। ओके, अब हम इस 2.3 को इसकी जगह पर लिख लेंगे, और ये जो 40 माइनस था इसको ऐसे लिख देंगे। इधर साइड में जब इसको हम भाग देंगे तो ये आएगा 7.5 लगभग में। अब इसका दोनों का मल्टीपल कर लेंगे, क्योंकि भाग के बाद मल्टीपल किया जाता है, ठीक है। जब हम आप इसका गुणा करेंगे, मतलब कि मल्टीपल करेंगे, तो ये इतना आ जाएगा, लेकिन इसमें पॉइंट लगा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये नंबर तो ऐसे लिखेंगे जितना आ रहा है। पॉइंट देखिए, एक अंक पे यहाँ, एक अंक पे यहाँ, यानी वन डिजिट, तो पीछे से 1, 2 डिजिट पे पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से हमारा 17.25 ये आ जाएगा मल्टीपल। इस मल्टीपल को यहाँ पर ऐसे रख देंगे, ये 40 माइनस जो भी आया था 17.25। अब आपको इसमें से इसको सबट्रैक कर लेना है। सबट्रैक करेंगे कैसे, हम 40 को लिख सकते हैं 40.000। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, सबट्रैक करेंगे, 0 से नहीं सबट्रैक होगा, इधर से कर ही लेंगे 10, हम उधार लेंगे, ये 10, 10 से 5 गया तो 5, ये 9 बचा, 9 से 2 गया 7, और ये दशमलव ऐसे का वैसे। ये देखिए 0 था, इसमें से उधार इसमें आया था, फिर इसने इसको उधार दिया था, यानी 9 बचा ये, 9 से 2 गया 7, और ये उधार दे दिया 4 था, अब कितना बचा ये 3, 3 से 1 गया 2। इस तरह से 22.75 आपका आ गया, 22.75 आपका पहले का आंसर हो गया। अंजलि सरदार जी, आप समझ चुकी होंगी उम्मीद करते हैं, और आपने कहा कि आप हिंदी लैंग्वेज समझती हैं, इसलिए हमने आपको पूरी तरह से हिंदी में बताया। इनका सवाल नंबर दूसरा जो है कुछ इस तरह से है, बोर्ड मास रूल अगर इसमें लगाएंगे, देखिए हमें 3 में 100 से भाग देना पड़ेगा, तो चलिए भाग करके दिखाते हैं। हम जानते हैं 100 का भाग 3 में नहीं जाएगा, फिर हम दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 उतारेंगे, अब नहीं जाएगा भाग तब भी, तो 1 0 यहाँ पर और 1 0 यहाँ पर, इस तरह से 3 बार जाएगा, और ये 300 ये आपका कितना आया, ये आगे आपका भाग करने पर इतना की जगह पर आया 0.03, ठीक है। इधर पहले जो था ये इसको ऐसे उतार लेंगे, इधर का ऐसे उतार लेंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब दूसरे नंबर पर गुणा होता है, हम कर देंगे गुणा, ठीक है, तो गुणा कर देंगे, तो ये 2 माइनस, आप इसका गुणा कर लीजिए। देखिए पहले हम बिना दशमलव के गुणा कर लेते हैं, तो 120 आएगा, और अगर इसी में दशमलव भी लगा हो तब क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है, 120 आता है साधारण तौर पर, और यहाँ पर 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाता है 1 2, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, 1.20 आएगा। इस तरह से आपका ये 1.20 हो जाएगा, और जब आप इसको इसमें से सब्सट्रैक कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2.0 और 1.2, और 0 लिखो या नहीं कोई मतलब नहीं, 10 से 5 2 गया तो आपका आया 8, और इसमें से उधार गया था, यानी कि 0, कुल मिला करके 0.8 आ गया।
अंजलि सरदार जी, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपने देख लिया। इंडिया के एजुकेशनल बोर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप अपने फ्रेंड्स लोग को भी इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर अवश्य जोड़ें। जैसा कि आप नेपाल के सिटीजनशिप यानी कि नेपाल की नागरिकता होने के बावजूद भी इंडिया की लैंग्वेज और एजुकेशन को समझ पा रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप दोबारा से फिर से हमसे क्वेश्चन करेंगे। इन उम्मीदों के साथ एक बार फिर से थैंक यू।